ब्लड में क्रिएटिनिन का बढ़ना, ये एक ऐसी समस्या है जो कहीं ना कहीं क्रॉनिक किडनी डिजीज़, रीनल फेलियर, मेडिकल रीनल डिजीज़ से जुड़ी है। और जब क्रिएटिनिन बढ़ती है तो हम लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं, पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता, कोई विकल्प समझ में नहीं आता है। होम्योपैथी में साथियों बहुत कारगर दवाएं हैं क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने की। आज हम चर्चा करेंगे उन्हीं में से कुछ होम्योपैथिक दवाओं की। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों आज गंभीर विषय की बीमारियों पे, गंभीर विषय पे चर्चा हो रही है, गंभीर बीमारी पे, जो कि है ब्लड में क्रिएटिनिन का बढ़ना। यह एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं किडनी फेलियर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, किडनी डिजीजेस के संख्या बढ़ रही है, उस कारण ब्लड में क्रिएटिनिन आता है और हम सब चिंतित हो जाते हैं। और मेरे पास 4 से 6 मरीज रोज ऐसे लगभग आते होंगे जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ रहता है, या जो नए आते होंगे जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा रहता है और जिनको जो है मेडिकल रीनल डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या रीनल फेलियर होता है और डायलिसिस पे होते हैं। तो क्रिएटिनिन एक बहुत बड़ा विषय है, आज मैं चाहूँगा कि इस पर रोशनी डालूँ, होम्योपैथी में आपको इसके लिए क्या बेहतर हो सकता है वो बताऊँ। सबसे पहले साथियों इस पूरी स्थिति का आकलन कर देते हैं, क्रिएटिनिन आखिर है क्या। क्रिएटिनिन साथियों हमारे मसल मेटाबॉलिज्म का एक प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि क्रिएटिनिन से बनता है। क्रिएटिनिन का जब क्रिएटिनिन एसिमिलेट होता है मसल्स में तो क्रिएटिनिन बनता है। यह क्रिएटिनिन किडनी फिल्टर करती है, जब किडनी में कोई दिक्कत आती है तो वह पूरी क्रिएटिनिन को फिल्टर करके बाय प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट नहीं कर पाती है और वहाँ हमारे ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल जो कि 1.2 से 2 से अधिक नहीं होना चाहिए वह बढ़ता जाता है और हम लोग किडनी डिजीज़ की स्थिति में आ जाते हैं। तो आज साथियों हम आपको बताएंगे ये जो क्रिएटिनिन से क्रिएटिनिन बन रहा है, इस क्रिएटिनिन को किडनी प्रॉपर असिमिलेट नहीं कर पा रही है, इस मेटाबॉलिज्म को हम कैसे ठीक करें, इन दवाओं के विषय पर आज चर्चा होगी। सिम्टम साथियों क्रिएटिनिन बढ़ने के सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम यही है कि आपके चेहरे पे सूजन आ जाती है। जब आपके ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ता है आपको वीकनेस आ जाती है, आपको नमनेस आ जाती है, आपकी यूरिन में दिक्कत होती है, यूरिन में ऑफेंसिव यूरिन हो जाती है, बदबूदार हो जाती है। यह सारी स्थितियाँ होती हैं जो आपको क्रिएटिनिन बढ़ने को इंडिकेट करती हैं। कारणों की बात कर लेते हैं साथियों, क्रिएटिनिन बढ़ने के कारण वो कोई भी कारण जिससे आपकी किडनी वर्क ना कर रही हो, प्रॉपर फंक्शन ना कर रही हो, वही क्रिएटिनिन बढ़ने का कारण है, क्योंकि किडनी का काम है क्रिएटिनिन का एक्सक्रीशन और वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा जब मैल फंक्शनिंग होगी किडनी की और वही आपके क्रिएटिनिन कारण होता है। ज़्यादातर इन कारणों में देखा गया है कि कुछ ड्रग्स होती हैं जो आपकी किडनी को नुकसान करती हैं, वही आपके ब्लड में क्रिएटिनिन को बढ़ा देती हैं। आज हम आपको बताएंगे साथियों क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने की कारगर होम्योपैथिक दवाएं। लेकिन साथियों उससे पहले हम आपसे विनम्र निवेदन है कि इन दवाओं को आप जानकारी के रूप में ही ग्रहण कीजिएगा, इसको इलाज के रूप में ग्रहण ना कीजिएगा, क्योंकि इलाज आपका जो प्रिस्क्रिप्शन कर रहा है जो डॉक्टर है वो बताएगा। हो सकता है इन दवाओं में से कोई दवा हो सकता है इन दवाओं के बाहर कोई दवा हो, तो अपने डॉक्टर से भी बहस ना करिएगा। कहीं से हमको लोग बताते हैं, कुछ लोग डॉक्टर से उलझ जाते हैं दवाएं देखकर, तो मैं बताना चाहूँगा इस दुनिया में ना ही मैं डॉक्टर हूँ ना ही केवल ये दवाएं हैं जो मैं बता रहा हूँ। तमाम दवाएं आती हैं आपके सिम्टम के हिसाब से, कुशल चिकित्सक करेगा। और जहाँ तक क्रिएटिनिन की बात है, क्योंकि ये रीनल फेलियर तक की बात है, तो इसके कॉज को ढूंढ के चिकित्सक ही आपको कम्प्लीट रूप में दवा देगा। इसलिए दवा केवल आपकी जानकारी के लिए है। दवा कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब कराए मत लीजिएगा। चलते हैं साथियों सफ़र पे, जिस पे आपको बताते हैं ब्लड क्रिएटिनिन के बढ़ने को कंट्रोल करने की या ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों नंबर एक दवा जो होम्योपैथी में क्रिएटिनिन को ब्लड में कंट्रोल करने की है वह है सेरम एंगुली। सेरम एंगुली 6x पावर में 10-10 बूंद दिन में 4 बार आप ले सकते हैं अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ा है ब्लड में
और आपके किडनी की दिक्कत है, तो यह बहुत अच्छी दवा है। यह आपके क्रिएटिनिन को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। यह मैं आपको बता दूं, हालांकि हम लोग किसी कंपनी को एंडोर्स नहीं करते, लेकिन यह स्वाबे कंपनी में ये दवा हमेशा आप लीजिए, विल्मर स्वाबे कंपनी की लीजिए, क्योंकि वो ग्लिसरीन बेस होती है, अल्कोहल बेस नहीं होती है, आपके बॉडी में ज़्यादा इफेक्ट करती है। रामबाण दवा है साथियों ये क्रिएटिनिन बढ़ाने की, कंट्रोल करने की। मैं अपने क्लिनिक पे इस दवा को बार बार इस्तेमाल करके इसका लाभ देखता हूँ। एक स्थिति साथियों आती है क्रिएटिनिन के केस में कि मरीज के ट्विचिंग हो रही होती है, मसल ट्विच कर जाती है, उनमें खिंचाव आ जाता है और साथ में कन्वल्जन्स आने लगते हैं। तो अगर यह स्थिति है किसी के और उनका ब्लड क्रिएटिनिन बढ़ा है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है बेलेडोना। आप बेलेडोना 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपको लाभ देगी और आपके क्रिएटिनिन लेवल को कम करेगी। एक स्थिति साथियों क्रिएटिनिन बढ़ने में आती है कि मरीज की जो यूरिन होती है वह उसमें लहसुन की दुर्गंध आने लगती है, बहुत ऑफेंसिव ऑर्डर आने लगती है और स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। तो अगर यह स्थिति हो कि आपके यूरिन में अनियन की गार्लिक की लहसुन की जैसी बदबू आ रही हो और आपके स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की आपके रिपोर्ट्स में बढ़े पाए हों, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। और दवा का नाम है क्यूप्रम आर्सनिकम। आप क्यूप्रम आर्स 3x पावर में दो दो टैबलेट दिन में चार बार ले सकते हैं। यह दवा आपके यूरिन में जो गार्लिक की ऑफेंसिव ऑर्डर है उसको भी ख़त्म करेगी और आपकी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को ठीक करेगी और आपके ब्लड के क्रिएटिनिन को कंट्रोल करेगी। एक स्थिति साथियों आती है किसी का क्रिएटिनिन बढ़ा हो और वह अनकॉन्शियसनेस की स्टेट में पहुंच गया हो। तो अगर यह स्थिति है कि हालात हाथ से बेकाबू हो रहे हैं और क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो उस स्थिति की बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी में कोलैप्स कंडीशन की हेलिबोरस नाइगर। हेलिबोरस 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप उसी स्थिति में ले सकते हैं। जब बार बार आपके यहाँ दिक्कत हो रही हो और आप बिल्कुल कोलैप्स वाली कंडीशन में पहुंच रहे हो, तो हेलिबोरस आपकी हेल्प करके क्रिएटिनिन लेवल को ब्लड में कम करने में सहायक हो सकती है और आपके किडनी के रिवाइवल में भी हेल्प कर सकती है। एक स्थिति साथियों आती है क्रिएटिनिन बढ़ने के केस में कि मरीज सांस नहीं ले पाता और उसे खांसी बहुत आती है, सूखी खांसी। तो अगर किसी मरीज को ड्राई कफ है और वह सांस नहीं ले पा रहा है, तो उस स्थिति में क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने की बहुत अच्छी दवा है क्यूप्रम आर्सनिकम। आप क्यूप्रम आर्सनिकम 3x पावर में दो दो टेबलेट दिन में चार बार हर उस मरीज को दे सकते हैं जिसकी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है ब्लड में, कंट्रोल नहीं हो रहा, उसकी सांस फूल रही है, सांस वो नहीं ले पा रहा है और उसे सूखी खांसी आ रही है। इस स्थिति में क्यूप्रम आर्स बहुत अच्छा काम करेगी और मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है जिनके क्रिएटिनिन बढ़ता है, उनके एक सिम्टम आता है कि यूरिन बिल्कुल बन ही नहीं रही, वो यूरिन पास करने जाते लेकिन यूरिन होती ही नहीं है, जो होती है बहुत जलन के साथ होती है। तो अगर यह सिम्टम है और आपके क्रिएटिनिन बढ़ा है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है केंथेरिस। आप केंथेरिस 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपको लाभ देगी, आपको फायदा देगी और आपको स्वस्थ रखेगी। एक स्थिति साथियों क्रिएटिनिन बढ़ने में आती है कि मरीज को यूरिन ही नहीं हो रही है, उसे यूरिन मतलब उसे लग रहा किडनी में यूरिन बनी नहीं रही, जनरेट ही नहीं हो रही है, किडनी से फिल्ट्रेशन ही नहीं हो रहा। तो अगर यह स्थिति हो और जो यूरिन आ रही हो वह ऑफेंसिव हो और ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ा हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है अरेलिया हिस्पिटा। अरेलिया हिस्पिटा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार हर वह मरीज ले सकता है जिसको यूरिन ही ना जनरेट हो रही हो, बॉडी में यूरिन आ ही ना रही हो और उसका क्रिएटिनिन लगातार बढ़ता जा रहा हो, तो यह दवा उनके यूरिन फ्लो को भी बढ़ाएगी, किडनी फंक्शन को बढ़ाएगी और क्रिएटिनिन को ब्लड में लेवल को कम करेगी। एक स्थिति साथियों क्रिएटिनिन बढ़ने में आती है कि आपका पूरा चेहरा और शरीर में सूजन आ गई और आपको प्यास बिल्कुल ना लग रही और ब्लड क्रिएटिनिन बढ़ी है और चींटी ऐसी पूरे शरीर में काट रही हो, तो अगर यह स्थिति साथियों है, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एपिस मेलिफिका। एपिस मेल 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप ले सकते हैं। यह दवा आपके शरीर की और आँखों के नीचे और चेहरे की सूजन को भी ख़त्म करेगी, आपकी किडनी की फंक्शनिंग भी बढ़ाएगी और आपके क्रिएटिनिन लेवल को भी कम करेगी।
एक स्थिति साथियों आती है कि ब्लड में क्रिएटिनिन इतनी बढ़ गई हो कि मरीज कोलैप्स कर गया हो, कोमा तक में आ गया हो, तो वह स्थिति जब पूरा ही इम्पेयरमेंट किडनी का हो रहा है और मरीज कोलैप्स की तरफ बढ़ गया है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एनकिलॉप्सिस कुनकीफोलिया। एनकिलॉप्सिस कुनकीफोलिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप हर उस मरीज को दे सकते हैं जिसकी किडनी कोलैप्स करने की स्थिति में आ गई हो, क्रिएटिनिन उसका बढ़ता जा रहा हो, मरीज कोलैप्स करने की स्थिति में आ गया हो या कोमा की स्थिति में आ गया हो, तो यह दवा आपको बहुत लाभ देगी और आपकी किडनी को रिवाइव करने और क्रिएटिनिन को कम करने में सहायक होगी। एक स्थिति साथियों क्रिएटिनिन बढ़ने में आती है कि मरीज के यूरिन बहुत कम हो रही हो और जो पेशाब हो रही हो उसमें लाल रेत या ब्लड हो, और जब यूरिन मरीज पास करता हो तो उसे रोना आता हो, चिल्लाता हो, अगर ऐसी स्थिति है साथियों और ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। आप लाइकोपोडियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, आपको यूरिन पास करते वक्त बहुत चिल्लाने वाली स्थिति होती है और पेशाब में लाल रेत आती है, तो लाइकोपोडियम आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। लाइकोपोडियम आपके पेट में गैस बनने और गुड़गुड़ाहट की भी बहुत अच्छी दवा है। एक साथियों बहुत कॉमन कंडीशन आती है क्रिएटिनिन के बढ़ने में ब्लड में कि मरीज को यूरिन कम हो जाती है, उसको एल्बुमिनेरिया हो जाता है, यूरिन में एल्बुमिन यानी प्रोटीन आ रहा होता है। अगर यह स्थिति हो और साथ में क्रिएटिनिन बढ़ी हो तो होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है समस्या से निपटने की आर्सेनिक एल्बम। आप आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। यह दवा किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाएगी, एल्बुमिनेरिया को ख़त्म करेगी और साथ में क्रिएटिनिन को भी कंट्रोल करेगी। ये साथियों कुछ दवाएँ थी होम्योपैथी में क्रिएटिनिन को कम करने की। दवाएँ और भी आती हैं जिसमें कि फॉस्फोरस हो गई, एपोसाइनम हो गई, टेरिबिंथ हो गई, कैंथेरिस हमने बताई दी, तमाम दवाएं आती हैं। यह कुशल चिकित्सक आपके सिम्टम के हिसाब से आपको देगा, लेकिन ये कुछ दवाएं थी ये बताने के लिए कि होम्योपैथी में इस समस्या का इलाज है। निवेदन करेंगे साथियों कोई भी दवा कुशल चिकित्सक से पूछ के ही लीजिएगा। आपके मन में कोई क्वेरी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम प्रयास करेंगे उसका जवाब दें। निवेदन करेंगे साथियों वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों हमारे साथ इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।